हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग न्यू मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल की अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे न्यू सोनी की अपकमिंग मूवी के अपडेट के बारे में, जिसकी कास्टिंग कंफर्म हो चुकी है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन के अपडेट के बारे में। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्राइडे के दिन स्पाइडरमैन का न्यू अपडेट आ सकता है, न्यू लुक आ सकता है, ना कि कोई टीजर ना कि कोई ट्रेलर। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि आपको न्यू लुक तो देखने को नहीं मिलेगा टोटल फिल्म मैगजीन की तरफ से, पर आपको टेक्स्ट में मूवी की डिटेल पता चल सकती है। जी हाँ, अब वो डिटेल क्या होगी तो आप तो ये देख नहीं सकते, पूरे टाइम तो बैठ नहीं सकते, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत के तुरंत अपडेट कर दूंगा। और देन होप शायद हमें कोई इमेज भी देखने को मिल सकती है स्पाइडरमैन से रिलेटेड। तो क्या होगा स्पाइडरमैन नो वे होम का अपडेट, इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वरना आपके को मैं तुरंत अपडेट कर ही दूंगा। चलिए बात करते हैं सोनी अपडेट के बारे में। तो फाइनली सोनी की न्यू अपकमिंग मूवी आ रही है, जो कि विलेन यूनिवर्स की होगी। और जैसा कि आपने एज ऑफ द अल्ट्रॉन में क्विकसिल्वर के कैरेक्टर एरन टेलर को देखा होगा, वही केविन द हंटर का कैरेक्टर प्ले करने वाले ऑफिशियली सोनी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। ये कैरेक्टर बहुत ही कमाल का होने वाला है, और तीसरे पार्ट के बाद स्पाइडरमैन तो वैसे भी सोनी के पास वापस जाने वाला ही है। तो गाइस, ये था वो काफी सारा कमाल का अपडेट। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।